हेलो गाइस, मैं करिश्मा चौहान, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ राजस्थान का बहुत ज़्यादा फेमस डिश, खीचड़ा और इमली का जूस, जिसे हम इमलानी भी बोलते हैं। और अगर आपको मेरी ये डिश और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं पर डे जो वीडियो लगाती हूँ वो आपको टाइम से मिल जाए। थैंक यू। करिश्मा चौहान, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे राजस्थानी डिलीशियस फूड, खीचड़ा। और ज़रूरी नहीं है कि यह फूड सिर्फ राजस्थान में बनाया या खाया जाता है, यह पूरी दुनिया में या फिर इंडिया में भी बनाया जाता है। और यह बहुत ज़्यादा अच्छा और लाभदायक है हेल्थ के लिए। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं या फिर नहीं हैं तो भी इसे बनाकर ज़रूर खाएं, क्योंकि इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं वो प्योर देसी होते हैं, जो आपके शरीर के हर पोषक तत्व की पूर्ति करते हैं। तो अब मैं आपको इनके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पे आधा कटोरी बाजरा, और आधा कटोरी हमें यहाँ पे चाहिए गेहूँ, और आधा कटोरी मैंने यहाँ पे लिया है चावल, और यहाँ पे आधा कटोरी मैंने पीसी हुई ली है मूंग की दाल, और आधा कटोरी मैंने यहाँ पे ली है बारीक पीसी हुई मोठ की दाल। और हेल्थी रेसिपी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक बाउल चाहिए, और बाउल में सबसे पहले मैं यहाँ पे ये जो हमने आधा कटोरी बाजरा लिया था वो डालूंगी, और आधा ही कटोरी मैं यहाँ पे गेहूँ डालूंगी। और उसके बाद हमें इसे पानी से भिगो देना है, और उसे कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक भीगने के लिए अच्छे से छोड़ दें। और उसके बाद हमें इसे चम्मच से अच्छे से मिक्स करके भीगने के लिए छोड़ देना है। और उसके बाद मैं इन्हें मिक्सर के ग्राइंडर में अच्छे से पीस लूंगी, और आगे की रेसिपी इसके बाद। अरे, गेहूं और बाजरे का जो मिक्सर है वो 1 घंटे के लिए भीग कर तैयार नहीं होता, तब तक हम इसके साथ जो इमली का रस खाया जाता है वो तैयार करते हैं। जैसे ब्रेड के साथ हमेशा बटर ही खाया जाता है, वैसे राजस्थानी खिचड़े के साथ हमेशा इस इमली का जूस यूज किया जाता है, और वह जूस इन दो इंग्रेडिएंट से बनता है। और मैंने यहाँ पे इमली यूज़ की है, और इमली बहुत सारे चीज़ों में यूज़ होती है, और मैंने यहाँ पे 2 गुड़ की डली यूज़ की है जिसको मैंने तोड़ लिया है। तो अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूँ, इमली आयुर्वेदिक औषधियाँ बनाने में भी बहुत काम आती है, और इमली गर्मियों में लू लगने से भी बचाती है। तो अगर आप राजस्थानी डिश या खिचड़ा बनाएं तो इमली का जूस ज़रूर बनाएं। इसके लिए मैं यहाँ पे एक बाउल लूँगी, और बाउल में मैं यहाँ पे अपनी जो इमली है वो डाल रही हूँ, और उसके बाद मैं इसे पानी से अच्छे से भीगने के लिए छोड़ दूंगी। और उसके बाद हमने जो ये गुड़ लिया है उसको इसमें डाल देंगे, और इसे अच्छे से 1 से 1.5 घंटे तक इसे भी हमें भीगने के लिए छोड़ना है, ताकि गुड़ और इमली दोनों ही अपना रस छोड़ दे। उसके बाद हम अपना प्रॉपर खिचड़ा तैयार करेंगे। तो अब हमें इसे ढककर 1-1.5 घंटे तक रख देना है। और हमने जो गेहूं को 1 घंटे के लिए भीजने को रख दिया था, उसके बाद मैंने यहाँ पे मिक्सी में इसे दरदरा पीस लिया है। आपको इसी प्रकार इसे दरदरा पीसना है। उसके बाद मैं यहाँ पे मैंने जो पहले चावल लिए थे वो ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। उसके बाद मैं यहाँ पे ये दाल ऐड कर रही हूँ, और उसके बाद ये मोठ की दाल इसमें ऐड करी हो, तथा इसे अच्छे से मिक्स कर लें। आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है प्रॉपर। और अब मैं इसमें आधा छोटा चम्मच सेंधा नमक, जिसे हम रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, वो ऐड कर रहे हैं, जिससे इसका टेस्ट है वो बहुत ज्यादा अच्छा आता है। अब आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैंने कुकर में पानी चढ़ा दिया, और उस पानी में बॉईल आ गया है। तो अब मैं अपना ये जो मिश्रण है वो इसमें डाल दूंगी। ध्यान रखें कि जितना आपका ये मिश्रण है उससे 3 गुना पानी आपको यहाँ पे यूज करना है, नहीं तो या तो आपका ये जो खिचड़ा बन रहा है या टाइट बनेगा बहुत ज्यादा, या टेस्ट नहीं बनेगा। इसलिए आपको प्रॉपर 3 गुना पानी इसमें ऐड करना है जितना आपका मिश्रण है। और इसमें हमें 2 सीटी लगानी है। जब तक ये बनता है तब तक हम इसके साथ यूज करने वाली डिश इमली का जूस बना लेते हैं।
इस इमली और गुड़ को भीगते हुए लगभग 1.5 से 2 घंटे प्रॉपर हो गए हैं और ये लगभग भीग गई है। तो अब हमें एक दूसरा बाउल लेना है और उसके अंदर हमें स्ट्रेनर लगाना है और इसे हाथ से अच्छे से मिक्स करते हुए आपको दूसरे स्ट्रेनर में छान लेना है। इमली को प्रॉपर आप क्लीन कर लें जैसे मैंने किया है ऐसे। इसका जूस बनाने के लिए बहुत जरूरी है ये। इसके बाद हमें इसे स्ट्रेनर में दूसरे बाउल में निकाल लेना है। जो इमली का घोल है ये प्रॉपर तैयार है और इसमें मैं थोड़ा सा आधा छोटा चम्मच सेंधा नमक और थोड़ा सा एक बार प्रॉपर छान लिया स्ट्रेनर लगा के, एक बार और हमें छोटे स्ट्रेनर लगा के इसे छानना है ताकि इसका जो रस है वो बहुत ज्यादा क्लीन आए और खाने में टेस्टी लगे। अगर आप चाहें तो केवल इमली का रस बना के भी पी सकते हैं, ये बहुत ज्यादा हेल्थ में बेनिफिशियल है। और ये गर्मियों में बहुत से लोग जब लू लग जाती है उसमें भी ये लोग बना के पीते हैं। आप बनाकर जरूर पिए, आपको भी इसी प्रकार छानना है इसे। वो सीटी आ गई है और हमारा ये जो राजस्थानी खाना है खीचड़ा, उसे 10 मिनट हो गया है 2 सीटी आए हुए। तो अब हम इसे खोलते हैं और ये प्रॉपर खाने के लिए तैयार है। और अब मैं इसे अपनी इस प्लेट में निकालूंगी। आप देख ही सकते हैं ये कितना ज्यादा टेस्टी लग रहा है। अब मैं इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड करूंगी और उतना ही घी। आपको भी इसी प्रकार इसे बनाकर खाना है। अगर आप चाहें तो सिर्फ ये खा सकते हैं और अगर आपको ये पसंद नहीं है तो सिर्फ खीचड़ा और इमली के जूस के साथ इसे खा सकते हैं। एक बार जरूर बनाकर ट्राई करें, यह बहुत हेल्दी है और आपके हेल्थ के लिए ये बहुत बेनिफिट देता है। इसलिए जस्ट ट्राई वंस।